झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. घेतल्याशिवाय राहत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. विजय असो, विजय असो, विजय असो. बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. पाली विद्यापीठ झालेच पाहिजे, पाली विद्यापीठ झालेच पाहिजे, पाली विद्यापीठ झालेच पाहिजे, पाली अकादमी झालीच पाहिजे, पाली अकादमी झालीच पाहिजे. असं कसं देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. हम एक है, हम एक है, हम एक है. जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम एक है, हम एक है. विद्यापीठ झालेच पाहिजे, पाली विद्यापीठ झालेच पाहिजे, पाली अकॅडमी झालेच पाहिजे, पाली अकॅडमी झालीच पाहिजे. युपीएससी मध्ये पालीचा समावेश झालाच पाहिजे, युपीएससी मध्ये पालीचा समावेश झालाच पाहिजे. मोदी सरकार होश में आ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो. न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा. नहीं देंगे तो देखे अच्छा. आवाज दो, आवाज दो. उद्धव ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो. पाली विद्यापीठ झालेच पाहिजे, पाली विद्यापीठ झालेच पाहिजे, युपीएससी चा समावेश झालाच पाहिजे, युपीएससी मध्ये पालीचा समावेश झालाच पाहिजे. आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तथागत गौतम बुद्धाचा तथागत गौतम बुद्धाचा महात्मा ज्योतिबा फुलांचा महात्मा ज्योतिबा फुलांचा सावित्रीबाई फुलांचा सावित्रीबाई फुलांचा मातोश्री रमाबाईचा विजय असो. श्री रमाबाईचा विजय असो. पूजा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. गौतम बुद्धाचा विजय असो. गौतम बुद्धाचा विजय असो. छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो. छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो. महात्मा ज्योतिबा फुलांचा विजय असो. क्या मकसद है ये? यहाँ पर लिखा है पाली विद्यापीठ निर्मिति के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं. पाली भाषा के बारे में पहले बताएं कि ये पाली भाषा क्या है, यानी क्यों चाहिए पाली भाषा का विद्यापीठ? पाली भाषा का विद्यापीठ हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश में स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय को बड़ी मात्रा में उसका प्रचार प्रसार करें. क्योंकि हम जानते हैं कि पाली विद्यापीठ जब भारत में थे उस समय काफ़ी मात्रा में विदेश से भी भारत में आके बुद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे. बुद्ध धर्म की जो की शिक्षा है, तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, वो मानवता निर्माण करती है और भारत में उसकी सख्त ज़रूरत है. हम देखते हैं कि भारत में काफ़ी जातिवादता भरी हुई है, विषमता भरी हुई है, एक दूसरे को ऊंच नीच नज़रों से देखा जाता है. उसका हम अगर कारण ढूंढते हैं तो पता चलता है कि किसी के पास भी अच्छी शिक्षा नहीं है. जो विचार होने चाहिए मानवता के लिए, मानवता के हित में, हित के लिए जो विचार होने चाहिए थे, वो विचार हम अभी तक देखते नहीं है. इसका कारण एक ही है कि पाली भाषा जो तथागत के वचन है, भगवान बुद्ध की बोली है, जो मनुष्य कल्याण करती है, उसको दबाया जाता है. हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के समय से ही हमें यह पता चलता है कि पाली को किस तरह से दबाया गया था. ना कि बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने दिया गया था और ठीक से जो है ना पढ़ने देने के कारण बाबा साहब ने खुद पाली का अध्ययन किया और अध्ययन करके ये जाना कि संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य का काम का है. लेकिन ये वर्तमान व्यवस्था इस तरह से कार्य कर रही है कि पाली को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ना चलने दिया जाए. यूपीएससी में पाली थी उसको भी हटाया गया क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी लोग अगर पाली पढ़ के अधिकारी बनेंगे तो उनके मन में वो विचार छाए रहेंगे और छाए रहने के कारण वो जो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. इसीलिए यूपीएससी से भी पाली को हटाया गया है. हम कई सालों से पाली विद्यापीठ की मांग कर रहे हैं. पाली विद्यापीठ मांग करने का
मतलब ये है कि हम इस भारत देश में मानवता प्रस्थापित करना चाहते हैं। सभी धर्म के सभी जाति के लोग इस विद्यापीठ में पढ़ेंगे और ये जानेंगे सच में इस भारत देश का इतिहास क्या है, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है, राजकीय स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है। अगर बाहर का नागरिक हमारे देश में आता है तो हमारा ही नागरिक बन के इस जम्मू द्वीप का, इस भारत देश का नागरिक बन के कैसे रहेगा, कैसे स्वतंत्र समता बंधुता न्याय के साथ इस देश में रहेगा, ये पाली विद्यापीठ जो है हमें सिखाएगा। इसीलिए हमें पाली विद्यापीठ की सख्त जरूरत है। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं नागपुर यूनिवर्सिटी के एक्स मैडम जो है, जो पहले नागपुर यूनिवर्सिटी में एचओडी थे, मालती साखरे मैडम। अभी हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि मैडम हमको नागपुर जो है पाली विद्यापीठ की जरूरत क्यों है? नमो बुद्धाय। जैसा कि सारा जग विश्व जानता है कि सारी महिलाओं को पिछड़ा हुआ रखे थे और सारी विश्व में महिला का दुय्यम स्थान था, 2500 साल पहले जो भारत में भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने ही पहली दफ़ा इस नारी जाति का सम्मान किया और सारे पुरुष जाति के समान ही मानवता का दर्जा दिया। तो इस तरह से सारे संस्कार करने की पहली गुरु माता होती है, और ऐसे महिलाओं को अगर पिछड़ा रखा जाए तो समाज का भी धोखा हो सकता है, समाज को पिछड़ा हो सकता है। तो महिलाओं को सम्मान देने वाले भगवान बुद्ध ने जो वचन दिया, जो ज्ञान दिया, वह है पाली भाषा में। पाली भाषा, पाली साहित्य मतलब बुद्ध वचन, और ऐसे ज्ञान का भंडार है बुद्ध वचन। यह सीखना और अपने कुटुंब में परिवार पर संस्कार करना बुद्ध वचन का बहुत ही जरूरी है। और सारे कोई भी ज्ञान के जो भंडार है, जो भी विश्वविद्यालय है इस देश में, महिलाओं का अलग से ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता और महिलाओं के बारे में और समाज के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। बुद्ध के विचारों की शिक्षा से सारे समाज पर ऐसे समता के संस्कार होंगे और ज्ञान का भंडार जो है ये खुलेगा सारे समाज के लिए, और अच्छा समाज निर्मिति के लिए और ज्ञान के लिए यहाँ पाली भाषा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और हम चाहते हैं कि इस देश में सारे शासन और सियासत वालों में ने महाराष्ट्र के नागपुर में पाली का विश्वविद्यालय यहाँ निर्माण करना, यह आज के काल की जरूरत है। जय भीम, हम यहाँ यशवंत स्टेडियम में अभी खड़े हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा है पाली विद्यापीठ के लिए। मेरा नाम है स्मिता वाकड़े। सर आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट भीमराव कंबले। ओके सर, मुझे ये बताइए कि आपको इस विद्यापीठ की जो है आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों है, और ये विद्यापीठ की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आप लोगों को? देखिए, पाली विद्यापीठ की ज़रूरत इसलिए है कि ये पाली जो भाषा है और भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो सारे पाली भाषा में है, और पाली भगवान बुद्ध के जो उपदेश है सारी पाली भाषा में दिया, इसलिए इस भाषा की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो सरकार है पाली भाषा को महत्व न देते हुए संस्कृत को महत्व दे रही है, जबकि संस्कृत एक लिमिटेड है। आज पाली में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जितने संस्कृत में नहीं है। तो ये पाली भाषा भगवान बुद्ध की भाषा है, इसलिए हमारी डिमांड है कि ये पाली का विद्यापीठ होना चाहिए। और जब तक पाली विद्यापीठ नहीं होगा तब तक जो सामान्य लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा आंदोलन बहुत ज़ोर से चल रहा है, बहुत सारे आंदोलन चल रहा है। लेकिन हमारी मांगे अब संस्कृत की विद्यापीठ हो रहा है, लेकिन हमारी ये विद्यापीठ होने से नहीं कर, सरकार हमारे साथ विषमता भेदभाव कर रही है। और जब तक ये भेदभाव है हम भेदभाव मिटाना चाहते हैं। हमें बाबा साहब का समता बंधुत्व न्याय इस विचारधारा पे मानने वाले लोग हैं, और पाली भाषा इसी से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने भी न्याय दिया था, स्त्रियों को न्याय दिया था, पाली भाषा सभी को न्याय दिया था। भगवान बुद्ध के विचार समता बंधुत्व न्याय पर आधारित है, इसलिए बाबा साहब के विचार, इसलिए हमें न्याय मिलाना है, सभी को न्याय देना, इसलिए हमें पाली विद्यापीठ की ज़रूरत है। और जब तक पाली विद्यापीठ नहीं होता तब तक हमें आंदोलन चालू रहेगा, क्योंकि पाली विद्यापीठ पाली भाषा ही एक
इस देश को न्याय दे सकती है। जय भीम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं और ये क्यों कब तक चलने वाला है? जब तक भारत देश में बौद्ध विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भारत देश में बौद्ध धर्म फिर से प्रस्थापित हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश को बौद्धमय बनाने का जो बाबा साहब की संकल्पना थी उसको पूरा करना अभी बौद्धों का काम है। क्यों करना है, क्या ज़रूरत है भारत देश में बौद्ध धर्म की? इसलिए कि भारत देश में पहली बात तो जातीयवाद बहुत है, इसलिए नेशनल इंटीग्रिटी नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, सामाजिक समता नहीं है, न्याय नहीं है और विषमता है, भ्रातृत्व की भावना नहीं है, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बौद्ध धर्म की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, एक जातिवाद खत्म करने के लिए और सभी धर्म के भाइयों को एकजुट में लाने के लिए बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, सबसे आर्थिक शोषण है, समाज का आर्थिक शोषण होता है, वो किसी तरह का शोषण न हो। महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, जैसे कि डाउरी के लिए या कोई बात के लिए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है वो बौद्ध धर्म अगर उन्होंने अपनाया तो ये बात नहीं होगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे, रेप वाले लोगों की संख्या बढ़ रही, ऐसा होता क्यों है? बात यह है कि उनको बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। हमारे बौद्ध धर्म में कामेशु मिच्छाचारा वेरवनी सिक्खा पदंग समाध्यामि, ये बात है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को अपने बहन और माता का आदर्श, माता की आदर्श समझ कर मैं उनके साथ व्यवहार करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा। क्यों हो रहा? कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, उनको बौद्ध धर्म की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बौद्ध धर्म क्या चीज़ है ये उनको मालूम नहीं है। जब उन उस बचपने से बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने की अगर उन लोगों को शिक्षा दी जाएगी तो भारत देश में महिलाओं के ऊपर किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। और इसलिए भारत देश को क्राइम से बचाने के लिए, भारत डिसइंटीग्रेटेड से बचाने के लिए, भारत में एकता लाने के लिए बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और बौद्ध धर्म ये खुद ही किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म अपनाना यानी किसी के धर्म का उल्लंघन करना ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म में वो ताकत है जो सबको लेके चल सकती है, सबको एक सूत्रता में बांध सकती है, भ्रातृत्व की भावना उनमें पैदा कर सकती है, देश का विकास कर सकती है। ये बातें बौद्ध धर्म में मतलब आपका मतलब है कि ये धर्म जो है वो आचरण का धर्म है? आचरण का धर्म है, बौद्ध धर्म आचरण से ही रिलेटेड है। बौद्ध धर्म खाली विचारधारा को नहीं बताती, बौद्ध धर्म आचार के साथ विचार बताती है। इसलिए बौद्ध धर्म की बहुत आवश्यकता है और बाबा साहब ने इसीलिए बोला था कि मैं भारत देश बौद्धमय करूँगा, तो ये बात होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल रीजन से या कोई भी कारण से बौद्ध धर्म की तरफ ध्यान नहीं देता